You know. Have you started? अब मैं बच्चों आपको ये तो क्लियर हो गया कि भाई पहले से पता है कि तीन पार्टिकल्स मिनिमम हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें मालूम है पहले से कम तीन पार्टिकल्स का तो बना ही हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और बता दिया मैंने इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे छोटा नेगेटिव पार्टिकल जिसमें कोई मास नहीं होता, वो हमने इलेक्ट्रॉन्स कहा। यूनिट नेगेटिव चार्ज कितना होता है वो भी मैंने बता दिया आपको, कितना कूलम्स होता है, 10^-19 कूलम होता है, वो यूनिट नेगेटिव चार्ज कहलाता है। इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसका बस चार्ज फर्क हो जाएगा, पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज करना है तो वो उसको बस एक को नेगेटिव लिख देना एक को पॉजिटिव लिख देना, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यूनिट मास मैंने बता दिया, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 9.1 × 10^-, कितना हमने बताया था -10^, कितना ड्राइव करा था हमने 10^-21 किलोग्राम्स। तो ये आपका था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, और न्यूट्रॉन का मैंने बताया था, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है और मास उसका प्रोटॉन के बराबर है, चार्ज कोई भी नहीं होता। लेकिन इन पार्टिकल्स को कैसे हमने डिस्कवर किया था, एक्सपेरिमेंटली कैसे मालूम किए गए थे, इसका तुम्हें मालूम होना थोड़ा सा ज़रूरी है। वैसे अगर हम सीधा भी ले सकते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमें मालूम कैसे पड़ा कि यूनिट नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल रहता है कैसे प्रूव हुआ। तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और उसी में ही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई थी। क्या होती है डिस्चार्ज ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक सिंपल सी ट्यूब, जैसे तुमने आपने ये ट्यूब होती है ना जो आप अपने घर में यूज करते हो, यही हाँ यही तरह की ट्यूब होती है। एक तरफ इलेक्ट्रोड होता है, एक तरफ ये डिस्क होती है हाँ, और वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होती है, एक तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड इधर होता है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। पहले जब ये हमने जो अब एसी डीसी जो शुरू नहीं हुई है, पुराने टाइम में जब ये एक्सपेरिमेंट हुए थे तब तो ये थी नहीं, तब तो बैटरी से करते थे, बड़ी हाई वोल्टेज बैटरी बनती थी बहुत सारे सेल्स को जोड़ करके। सेल देखे हैं आपने, जैसे बैटरी में सेल लगते हैं आपकी टॉर्च में, दो सेल से कितने बन जाती है 3 वोल्ट बन जाती है हैं। और अगर मान लीजिए हमने 30 वोल्ट बनाने हो तो दो दो के 10 सेट लगा लो 30 वोल्ट बन जाएगी, 300 बना लें तो उसको और 10 गुना बढ़ा दो, जितने वोल्टेज बनानी हो उतने ही सेल जोड़ते चले जाओ, एक एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ते चले जाओ। तो हम इस सीरीज को हम ऐसे दिखाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एक सेल हो गया, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव दूसरा सेल हो गया, तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव एक सेल हो गया, इसको आपस में जोड़ लिया, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इस तरह ये पॉजिटिव है, हर एक का जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव है और जो छोटी लाइन है नेगेटिव, तो हर एक के नेगेटिव पॉजिटिव को हर सेल के नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ठीक है, इसको हमने इसके नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसके इसके नेगेटिव से और ये पॉजिटिव, ये सब आपस में हम जोड़ते चले जाएंगे।
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव को इस नेगेटिव से, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। तो बहुत बड़ी हम बना सकते हैं, बैटरी बना सकते हैं कितनी भी वोल्टेज की। करना क्या है हमें, हमने नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। तो जो लास्ट में पॉजिटिव आएगा वो पॉजिटिव से जोड़ दो, नेगेटिव वाला छोटा वाला पार्ट, ये छोटा है नेगेटिव। तो इस तरह सर्किट बन जाता है। अगर हम इस ट्यूब में गैस भर दें, कोई बहुत वेरी लो प्रेशर गैस एट लो प्रेशर, लो प्रेशर का मतलब समझते हो, गैस निकाल दो उसमें, गैस बहुत थोड़ी हो, जैसे हवा निकालते हैं ना वैक्यूम पंप से, ऐसी गैस को, गैस का प्रेशर कम किया जा सकता है। तो जैसे जैसे हम कम करते हैं प्रेशर, तो क्या होता है, ग्लो शुरू हो जाता है इस ट्यूब में, ग्लो। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगता है, कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं ऐसे। और जब ये गैस से टकराते हैं तो टकराने से एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी से लाइट पैदा होती है। ये जो रेज हैं ये निकलती है ना इनमें से, इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं। पहले तो इस बात का पता नहीं था, लेकिन ये होता है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं गैस पार्टिकल से, तो गैस पार्टिकल गर्म हो जाते हैं और उसमें से ग्लो होने लगती है, तो लाइट दिखाई देने लगती है। जैसी गैस होती है वैसी उसकी लाइट दिखाई देने लगती है। तुमने देखा होगा नियॉन ट्यूब, हाँ नियॉन ट्यूब देखी होगी ना, कैसी कलर होता है नियॉन ट्यूब का? नियॉन ट्यूब का होता है एक तरह से ऑरेंज टाइप का कलर, खंभों पे ऊपर लगे हुए देखते होंगे, कहीं पर व्हाइट लाइट होती है, मरकरी लाइट होती है। मरकरी की गैस भरी जाए, भर दी जाए इसमें, मरकरी वॉलेट वेपर्स भर दी जाए तो बिल्कुल वाइट टाइप की लाइट निकलती है। और नियन गैस रख दिया है तो मैंने बताया आपको ऑरेंज टाइप का लाइट निकलती है। जिस तरह की गैस हो, हीलियम गैस अगर भरी जाए तो और दूसरी तरह की लाइट आएगी, हर तरह का। तो अलग अलग गैस को भर करके अगर ट्यूब में हम रखें तो अलग अलग तरह की लाइटें निकलती हैं। ये लोगों को पहले मालूम था और बैटरी से एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने क्या किया, एक नया एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, थोड़ा सा जब उन्होंने देख लिया कि ये तो लगता है कि इलेक्ट्रॉन ही है, और इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम पड़े, उनके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने जो कैथोड, ये हमारी कैथोड यहाँ से जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये एनोड की ये डिस्क है, कैथोड वाली डिस्क मेटल की और ये एनोड की, और बीच में गैस हल्के लो प्रेशर में भरी हुई है। इन्होंने किया क्या कि इस इलेक्ट्रोड को यहाँ लाने के बजाय यहाँ बीच में ले लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ बीच में से, गैस एट लो प्रेशर को यह हटा रहा हूँ, ये नेगेटिव, और यहाँ पर इन्होंने एक बीच में इसको इलेक्ट्रोड को ना बजाय यहाँ लगाने के, इन्होंने ऐसे किया कि इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसके अंदर एक बीच में होल कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में इस होल के थ्रू निकल के कुछ रेज आकर के यहाँ टकराती हैं, और यहाँ पे अगर हम एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दें, जिंक सल्फाइड एक पाउडर होता है, जिंक का सल्फाइड होता है, उसको अगर हम कोट कर दें तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये लाइट ब्लू फ्लोरसेंस देता है। फ्लोरसेंस का मतलब होता है जब लाइट पड़ती है ऐसे पड़ती तो अपना कोई नई लाइट पैदा हो जाती है। जैसे आपने फ्लोरसेंस ट्यूब भी देखी है ना, जैसे ट्यूब्स आपकी जलती हैं घरों में, वो भी फ्लोरसेंस ट्यूब है, वो वाइट लाइट दे रही हैं तुम्हारे आजकल। तो पहले उस टाइम में ये जिंक सल्फाइड पाउडर कर देते तो लाइट ब्लूइश कलर आता था। तो कभी भी कहीं कोई कलर आता है तो समझ लो कि कोई ना कोई पार्टिकल टकरा रहा है आकर, एनर्जी पार्टिकल को प्रदर्शित करता है। तो जब लोगों ने ये देखा कि इस होल के थ्रू जो लाइट आ रही है वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन को कलर कर लेती है, मतलब ट्यूब में, तो डिस्चार्ज ट्यूब में तो कोई वो नहीं आई थी उस टाइम, उन्होंने कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल डाला नहीं था एक्सपेरिमेंट के लिए, जिंक सल्फाइड यहाँ लगा दिया था
ये देखने के लिए कोई लाइट रे आ रही होगी तो टकरा के अपने आप कलर देगी। तो वास्तव में देखा उन्होंने कि भाई कोई पार्टिकल जरूर है जो इसमें, जो इसको जिंक सल्फाइड से टकरा करके वो दे रहा है। पार्टिकल का होना जरूरी है, पार्टिकल ही टकराता है तभी जिंक सल्फाइड जो है। अब वो पार्टिकल पॉजिटिव है नेगेटिव है ये तो बाद की बात है, पहले तो पार्टिकल होना है, पार्टिकल है कोई ना कोई, ये चीज शो करता है जिंक सल्फाइड। जब इन्हें ये मालूम पड़ गया कि भाई ये इसमें कोई ना कोई पार्टिकल है, तो फिर उन्होंने प्लेट लगा के देखी, चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की प्लेट लगा के देखी, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, यहाँ पर बिजली का फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट होते हैं ना, तो ये देखा कि पॉजिटिव की तरफ ये पहले तो जब ये फील्ड नहीं लगाते तब तो ये सीधी चली जाती है, और जैसे ही फील्ड लगता है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये मुड़ जाती है, ये स्पॉट यहाँ से मूव कर जाता है इधर उधर। कहने का मतलब ये है ये रेज जो हैं जो जा रही हैं वो इधर की तरफ मुड़ जाती है, यहाँ स्पॉट जो स्पॉट पहले यहाँ बन रहा था सीधा अब वो इधर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये मुड़ने का मतलब ये है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये स्पॉट यहाँ पे आ जाता है, वो कलर जो स्पॉट यहाँ पे आ रहा था पहले इस जगह अब वो यहाँ दिखाई देने लगता है। तो इसका मतलब उन्होंने सीधा लगा लिया कि भाई ये पार्टिकल हैं, और नेचुरली क्योंकि ये इधर की तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रहे हैं तो ये कैसे होने चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए, और उसके द्वारा उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकालने की कोशिश की। उसके लिए एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, जो उसके लिए एक ई बाई एम डिटरमिनेशन फॉर ई बाई एम डिटरमिनेशन, थ्योरी तुम्हारे कोर्स में नहीं है लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ई बाई एम का मतलब चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज टू मास यानी चार्ज बटे मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या किसी भी पार्टिकल के लिए चार्ज टू मास रेशियो निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट पहले ही इजाद हो गया था, वो इस तरह का था, एक इस तरह की ट्यूब थी जो आगे से चौड़ी थी, यहाँ पे स्क्रीन था, और इस केस में यहाँ पे तो ये एनोड रखा है इन्होंने, और सॉरी कैथोड, ये तो कैथोड नेगेटिव, कैथोड को तो यहाँ रखा और एनोड को यहाँ रखा और इसमें बीच में छेद कर लिया जैसे इसमें किया था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाया और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो प्लेट यहाँ रख दी, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी तो एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट किया इसमें चारों तरफ इसके पीछे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से हम एक मैग्नेटिक ऐसा वो होता है ना हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट ऐसा फिक्सअप किया है इन्होंने, ऐसा होता है, इसका एक पोल तो यह है यहाँ पे और एक पोल यहाँ पे, जब चाहे हम तो मैग्नेटिक फील्ड ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये मैंने चार ये कर रहा हूँ, ये एम से लिख रहा हूँ मैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई जो मैंने इलेक्ट्रिक नहीं, ये प्लेट है चार्ज प्लेट है। एक्सपेरिमेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके इंटरेस्ट के लिए कि भाई आफ्टर हम ई बाई एम कैसे निकाला था, उसकी मैथमेटिकल थ्योरी आपके कोर्स में नहीं है लेकिन समझना ज़रूर है आपको किस तरह से निकाला जाता है। उसमें क्या था कि जब इन्होंने कैथोड रे जैसे बताया था ना, कैथोड रे इधर आके पड़ती है जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, ऐसे ये स्क्रीन चौड़ा सा है यहाँ पे, तो जब ये कैथोड रे पास हुई तो कैथोड रे यहाँ से निकली, निकल के यहाँ पे स्पॉट बना दिया उन्होंने, एक बार इसमें से निकल गए इस छेद में से, परफोरेटेड एनोड है ये एनोड,
ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड हमने बीच में ले लिया है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव, यह बैटरी है, नेचुरल बात है, ये नेगेटिव, छोटा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, बैटरी ऐसे ले दिखाई जाती है, बैटरी जो है ऐसे बनाई जाती है। तो हाई पोटेंशियल की बैटरी, उसमें गैस भर दी इन्होंने, गैस से कैथोड की तरफ से रेज निकलती हुई आई जैसे इसमें निकल रही है, और ये इसमें से निकलती हुई यहाँ पे गिरी। अब इसमें इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक तरीका होता है, इसमें क्या करते हैं, इसका मोशन देखते हैं इलेक्ट्रॉन का, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये स्पॉट जो है, मान लीजिए हम कहते हैं ये ओ पोजिशन है, तो ए की तरफ चला जाता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम इस प्लेट से लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट से, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग लिया, और मैग्नेट, अगर मैग्नेट ऑन कर दिया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑन कर दिया, एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ बन जाएगा, तो उससे भी अट्रैक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इफेक्ट होता है इसका, कैथोड रेज का, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से अट्रैक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक तरफ को स्पॉट मूव करता है, यानी ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव कर जाती है रे, और जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इधर की तरफ बराबर क्वांटिटी में बी पॉइंट पे मूव कर जाती है। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उन्होंने इस चीज़ को निकाला कि भाई हम इलेक्ट्रो को मैग्नेटिक फील्ड को दोनों के एक दूसरे के अपोजिट क्योंकि काम कर रहे हैं, अगर हम इनको ऐसे एडजस्ट करें क्वांटिटी को कि स्पॉट बीच में आ जाए, ऐसा कोशिश करते हैं। उसके द्वारा एक्सपेरिमेंट के द्वारा और थ्योरी लगा करके ये इनके पास वो था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, जो तुम्हारे इस कोर्स में नहीं है, आगे बीएससी में या एमएससी में पढ़ोगे, तो उससे उन्होंने ई बाई एम कैलकुलेट किया। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इस एक्सपेरिमेंट से ई बाई एम डिटरमिन किया गया, और ई बाई एम की वैल्यू कितनी आई वो मैं आपको बताता हूँ। ये ई बाई एम की वैल्यू आई 1.78 इंटू 10^11 कूलम्स, पर किलोग्राम उन्होंने डिटरमिन किया इस एक्सपेरिमेंट से। आपके समझ में आ गई ये बात क्या कह रहा हूं मैं? एक स्पेशल टाइप का डिस्चार्ज ट्यूब हमने बनाई है जिसमें एनोड परफोरेटेड है और कैथोड रे जो निकल के एनोड के होल से निकल करके स्क्रीन पर पड़ती है, और स्क्रीन के स्पॉट, स्क्रीन पे जो स्पॉट पड़ रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड से और इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले तो मूव कराया जाता है, फिर ऐसे बैलेंस किया जाता है ताकि वो ना बीचों बीच रह जाए, ना ए की तरफ जाए ना बी की तरफ जाए, और जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट से, जितना हमने इलेक्ट्रिक लगाया जितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो उससे हमारे पास कैलकुलेशंस थी उनके पास, उससे ई बाई एम कैलकुलेट कर लेते थे किसी भी पार्टिकल के लिए। ये तो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए लगाया, ये एक्सपेरिमेंट किसी भी के लिए भी, कोई भी पार्टिकल हो, हर एक के लिए ये यूज होता है। तो ये थॉमसन मेथड है, थॉमसन मेथड में ई बाई एम डिटरमिन किया, ये है थॉमसन मेथड। थॉमसन मेथड से ई बाई एम की वैल्यू 1.78 इंटू 10^11 कूलम्स पर किलोग्राम ये आ गया। तो ये समझ में आ गई होगी आपको, हमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये बताना है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से और बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मूव करता है स्पॉट, और मैग्नेटिक फील्ड से भी मूव करता है दोनों, और अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, उनको बैलेंस करते हैं हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से ताकि मोशन ना हो, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वैल्यू है उसके, उससे हम इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई बाई एम, और ई बाई एम की वैल्यू 1.78 इंटू 10। तो फिलहाल आप तो यही कहोगे कि ई बाई एम वाज डिटरमिन्ड बाई थॉमसन मेथड,
एंड द वैल्यू ऑफ ई बाई एम वॉज फाउंड टू बी 1.78 इंटू 10^11 कूलम्स पर किलोग्राम। तो ये है आपका डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें ई बाई एम की वैल्यू मालूम पड़ गई। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये तो ई बाई एम निकला, मास तो हमें पता ही नहीं पड़ा अभी, ठीक है ना। अभी तो हमें ई बाई एम की वैल्यू मालूम पड़ी है, ठीक है। अब हम करते हैं मास कितना होगा, इस कैसे निकालेंगे हम मास, तो इसको रब करते हैं।